ये देख अभी अपन कर रहे हैं 8255 इंटरफेसिंग, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, नहीं स्टार्ट कर देगा ना। हाँ, तो अभी अपने को एलईडी इंटरफेस करने का, जो भी प्रोग्राम डाल रहे वो अकॉर्डिंगली एलईडी में डिस्प्ले आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम लोग नॉर्मली पोर्ट ए यूज कर रहे हैं इसमें, पोर्ट ए समझ रहे ना। हाँ। तो 8255 में तीन पोर्ट रहते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, उसमें से अपन पोर्ट ए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पोर्ट ए के लिए जो जो पिन है ना वो सब ढूंढ लो इसमें से। अच्छा, ऐसा? हाँ, तो अभी पोर्ट ए 0 है। हाँ। बराबर, उसके लिए 4, तो यानी कि समझ अपन ये 0 पकड़ रहे। हाँ। ये ग्रे वाला 0 इधर से, बराबर। हाँ। ये व्हाइट वाला इसे टाइम पास है, ये ग्रे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो पिन नंबर 4 में डाल दो इधर, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखिए और इधर की काउंटिंग कैसे है, ठीक है, सब निकाल देते हैं अपन स्टार्ट। हाँ, अच्छे से करना है, बेसिक एकदम संजय निकालना, पेंट की निकालने का क्या कर रहे हैं, निकल का नहीं नहीं खींच अल्लाह, वही निकल आया, वही निकल आया भाई, क्या निकल आया भाई, ठीक है। अभी ये देखो चलेगा, पोर्ट ए 0 के लिए कौन सा ग्रे वाला है, बराबर। हां, ग्रे वाला क्लियर गया। हां, ये और इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे रहते हैं। हाँ हाँ भाई, इधर 125 इधर लिखा है, बराबर। अच्छा, तो ये नंबर वाइज कैसे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नीचे वाला सब ऑड नंबर है और ऊपर वाला सब इवन नंबर है। अभी अपने को पी ए 0 किधर है, पिन नंबर 4 ना, पी ए 0 है पिन नंबर 4, ठीक है। तो पिन नंबर 4 किधर आता है, ये पिन नंबर 4 आएगा सेकेंड रो में सेकेंड। हाँ, तो डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। पी ए 0 के लिए हो गया। हाँ, अभी ये पी ए 0 हो गया। हाँ, अभी पी ए 1 की इधर है, पी ए 1 है इधर है, नहीं सी है वो, तो पी ए 2 भी लगा दिया। अभी पी ए 3 किधर है, पिन नंबर 1 को नाम दिया है ना, पी ए 0 पी ए 1 पी ए 2, तो ये ग्रे वाला 0 है, ये वाला ये हुए, अब ये 3 वाला ग्रीन है, बराबर। पिन कनेक्शन दिया है, ये पिन कनेक्शन दिया रहेगा, पिन कनेक्शन दिया रहेगा ना, क्या मालूम है सर का, कुछ पूछ लेंगे ना भाई, मजा आ गया। ये पिन नंबर 1 कोड पे लिख के दिया रहेगा, अपने वाले वेरीफाई कर लेंगे। हां, पिन चोर है, ठीक है। तो अभी ये देख, ये पी ए 3 पिन नंबर 1 पे, तो अपन ये ग्रीन वाला 3 वाला है, बराबर। चलो एक बार ट्रैकिंग को इसको 0 पे डाल देते, ठीक है, डाल दिया, ब्रश कर रहा हो गया। तो अभी पी ए 4, बराबर, पी ए 4 के लिए कौन सा है, ठीक है। तो ये 9 था, बराबर, इधर ये अभी जो ये तो लगा से पूछ के से रहा था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 याद है, राहुल विपिन मेरे दोस्त से पूछ रहा था, पी ए 6 किधर है, 7 पिक्चर को देख के मास्टर भूषण किया है, ये 6 7 पे, अभी इसको इधर बीच में डालना पड़ेगा, उधर पे नहीं, उधर भूषण भूषण मोतिया बोला था, अरे पहले वो सब नहीं बोला था, अरे ये अपनी बात ही होनी चाहिए वीडियो भाई, किसको सेंड नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए किसको सेंड, ये हो गया तेरा पिन नंबर 7 तक, कौन सी बात चल रही है, कौन सी जा रही है, थोड़ा धार्मिक बात भी करनी चाहिए ना, उसने चौकी में किया था, ठीक है, लास्ट पी ए 7 अंकुश में, तूने अंकुश में किसने बोला भाई, अभी कौन सा पी ए 6 पी ए 7 तेरा 6 पे है ना, हाँ वो 6 पे, खाली पोर्ट ए का ही देख रहा है ना इसने, पोर्ट ए ही यूज कर रहे हैं ना, हां क्योंकि नहीं देखना, अभी बोला था इधर का लिखा है, हमारे एक कदम होता देवेन के दो कदम होते, मतलब पोर्ट ए यूज कर रहा है, तूने बोला ना आउट 11 नहीं करेगा, ट्रैकिंग पे हमारा एक कदम होता देवेन के दो कदम होते, मैंने तेरा बोल रहा था, किसने बोला, विपिन ने बोला था,
जो मैंने गलत था वो जो सही बोला ना जो है ना सामने आ गई पीन पीछे ना पहले शांति शांति मिली नहीं रही थी इसकी वजह से मतलब क्या क्या बोला था कौन सा ये वाला ना ये ब्लैक ग्राउंड कौन सा है ब्लैक हाँ ये ब्लैक तो प्रकट कहाँ से हुआ वो उसी में आज पिन क्या है एलईडी का सब तेरे प्रकट नहीं हो रहा नीचे वाला ग्राउंड होता ना एलईडी का सब देख रहा है इसे प्रकट नहीं हो रहा कुछ भी हां एलईडी के नीचे वाला नहीं ग्राउंड हां 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 तो वहां से ब्लैक वायर निकल रहा है चल ठीक है ये समझ गया ठीक है ये पोर्ट कनेक्शन समझ गया सबको क्या डाउट है इसमें नहीं ये समझा अब हम अपना पहले प्रोग्राम डालने तेरे को एआईबी में जाने का है क्या एआईबी क्या है स्टैंड अप कॉमेडियन का ये प्रोग्राम है वैसे तो वैसे पूरा टाइप करना है ये प्रोग्राम दे रहा है दिए वाले दिए का नहीं नहीं देने वाले तो समझा ना तो अभी ये देखो इसमें अपन क्या कर रहे हैं एक स्टैक पॉइंटर ले रहे हैं बराबर जिसका एड्रेस है FE00 बराबर इनिशियलाइज किया बराबर ए बुक पेन से खास को बुक पेन वो दे दो संजय उसको तो 10 टाइम्स इसका बूस्ट हो जाता है पावर पेन भी दो ए बिपिन पेन नया पेज ले रहे पेन तेरे जेब में राहुल तेरे जेब में देखता है भाई इधर अच्छा शरीफ खुद का पेन ही लेता है हाई बजट है नया नया लेना नया पेज लेना हाई बजट ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है अच्छा है ठीक है अच्छा वीडियो हाई क्वालिटी आना चाहिए ना नहीं भाई उस पे जमता ही नहीं है लेकिन ठीक वीडियो में वो अलग है तो अपना वो नहीं क्या रहता है सर जो स्टैक पॉइंटर ए यहां पे ठीक है हां फिर बी सी फिर डी बी ए यू सी एच एल ठीक है तो ये अपना हो गया तो उसके बाद अपना एक प्रोग्राम काउंटर रहेगा जो पीसी और एक रहेगा आपका स्टैक पॉइंट ये पूरा 16 बिट यूज होएगा बराबर तो अभी अपन ने नेक्स्ट से FE00 बराबर तो FE00 द स्टैक पॉइंटर में ये वैल्यू चला जाएगा तो ये अपना लोकेशन है FE00 ठीक है तो इसका नेक्स्ट जो भी लोअर वैल्यू है उसमें जाएगा बराबर तो इधर एक वैल्यू जाएगा और इधर एक वैल्यू जाएगा बराबर बराबर तो ये अपन ने फर्स्ट स्टार्टिंग में FE00 इनिशियलाइज किया ठीक है अभी नेक्स्ट के MVI A, कॉमा 80 बराबर MVI A, कॉमा 80 बराबर तो 80 का अभी BCD में लिखेगा तो कैसे रहते रहे 1000 फिर 0000 बराबर ठीक है 80 A का एड्रेस है ना हाँ एड्रेस नहीं रहे कोड है बाइनरी कोड बाइनरी ठीक है तो ये 8 है ना तेरा 8 और 8 ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर ये कंट्रोल वर्ड है तो ये वाला क्या इंडिकेट करता है हमारा इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट वापस क्यों आए इसमें हां ये है देखो तो मोड सिलेक्ट के लिए अपन 1 डालेगा तो इनपुट आउटपुट हां इनपुट आउटपुट ये भी 0 है अपना तो मोड 0 है पोर्ट है आउटपुट मोड में पोर्ट सी अपर भी मतलब यानी कि सब जो भी है मोड 0 में और आउटपुट मोड में ठीक है समझ रहे इनपुट में कुछ भी नहीं समझ रहा तो उसके लिए अपन इसके लिए वो 80 हो गया उधर सब उसके लिए अपन ने MVI 80 लिया ठीक है बराबर समझ गया कैसे हां सब बेस्ट है बेस्ट अभी ये किधर डालने का अपने को कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में अच्छा तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का भी एड्रेस क्या है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर भी होता अच्छा हां इसमें चार है चार फॉर्मेट चाहिए ना ये जो फॉर्मेट है वो 8-to-5 को कब समझेगा जब ये CWR में रहेगा तभी समझेगा ना बराबर कि नहीं तो अभी CWR जाने के लिए एड्रेस क्या है 13H है बराबर तो ये वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर से किधर अभी प्रेजेंटली एक्यूमुलेटर में वो किधर जाना चाहिए एक्यूमुलेटर से CWR पर CWR पोर्ट है ना तो उसके लिए क्या करने उसको आउट डाल देने का आउट उसका एड्रेस क्या है 13H तो यानी कि ये जो वैल्यू है 80H वो गया अभी CWR तो CWR बताएगा कि मेरा पोर्ट ए पोर्ट बी पोर्ट सी सब आउटपुट मोड में और मेरा ये 8-to-5 इनपुट आउटपुट मोड में है सर ठीक है समझ में आया क्लियर है तो आउट 13 तो अभी MVI A01 ठीक है तो ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट वाला राइट टू लेफ्ट वाला RLC मतलब ये जो अपने LED है ना राइट टू लेफ्ट करेंगे अच्छा राइट टू लेफ्ट MVI A01 यानी कि फर्स्ट वाला जीरो फर्स्ट वाला LED सिलेक्ट होएगा ठीक है MVI 0 इसके बदले अगर अपन ने 00 डाला समझो इधर 00 या 80H भी डाल सकते हैं अगर अपने को 0 है तो LED चालू करने का है इनिशियल कौन सा तू यूज कर रहा है अच्छा बराबर 80 डालेगा तो एकदम
फॉर पहला वाला यूज है, मतलब हाईएस्ट एलईडी जो रहेगा ना वो वाला यूज है, समझ रहे ना? तो एम बी आई 01 मतलब पहला वाला एलईडी, यानी कि 0th एलईडी छोड़ के फर्स्ट एलईडी, अगर एम बी आई 00 ऐड डालेगा ना तो वो 0th एलईडी सिलेक्ट होएगा, ठीक है समझ गए? तो ये इनिशियल कंडीशन है किधर से तुम लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, बेस्ट है। तो ये फिर अभी ये क्या किया हम लोगों ने, पुश पी एच डब्ल्यू, यानी कि ये जो अपना एक्यूमुलेटर ऑफ फ्लैग में ये वैल्यू अभी एक्यूमुलेटर में अपना किधर मतलब एक्यूमुलेटर और फ्लैग ये दोनों मिलकर उसका प्रोग्राम स्टेटस मतलब ये दोनों मिलकर 16 बिट हो गया ना, हाँ 8 बिट रहता है ना फ्लैग, हाँ ये 8 बिट ही 8 बिट, तो ये जो भी कंडीशन है अभी अपना एक्यूमुलेटर का वो जाके इस टैग में स्टोर करके रखो, ठीक है टेम्पररी के लिए बराबर, तो ये 01 इधर स्टोर हो जाएगा बराबर स्टैग में, ठीक है अभी नेक्स्ट 01 00 ये अभी एक्यूमुलेटर में 01 दिया तो वो जाके स्टैग में स्टोर होएगा।